अब जीशु यांची को बचा कर ले आता है। इतने में यहाँ पर लुचिया और शिंगशिंग भी आ जाते हैं और फिर यांची को होश आ जाता है और जीशु को इस तरह से देखकर लिनचिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर अब ये सब लोग यांची को अंदर ले जाते हैं। अब जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो शिनहैंग जीशु और यांची को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यांची इसके पास जाने लगती है लेकिन जीशु उसको रोक देता है। अब लुचिया जीशु से पूछता है कि क्या हम लोग अपने प्लान के मुताबिक ही यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को जारी रखें या उन्हें चेंज करना है। जीशु कहता है कि नहीं, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिनचिंग आती है। शिनहैंग लिनचिंग से कहता है कि चलो हम यहाँ पर घूमने चलते हैं। तो लिनचिंग कहती है कि नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा है। शिनहैंग कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो लिनचिंग कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि इसमें मेरा कसूर है। अब जीशु यांची के रूम में आता है और इससे कहता है कि अब हमें एक बात तो मालूम हो गई है कि इस सब के पीछे शिनहैंग है। बस अब हमें शिनहैंग के खिलाफ एविडेंस तलाश करने हैं। तो यांची कहती है कि हम ये कैसे करेंगे। तो जीशु उसको कहता है कि चूंकि शिनहैंग को ये मालूम हो गया है कि हम अब असली दुनिया में वापस आ गए हैं तो देखना वो जरूर कुछ करेगा। इसके बाद चारों फिशिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लिनचिंग भी आ जाती है जिसको देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जीशु लिनचिंग से कहता है कि मेरे पास आकर बैठ जाओ। यांची को अच्छा नहीं लग रहा होता कि जीशु ने इसको अपने पास क्यों बिठाया है। और इतने में यहाँ पर शिनहैंग भी आ जाता है कि लिनचिंग यहाँ पर जीशु के कहने पर आई है। और जब इसे ये बात मालूम होती है तो इसे गुस्सा आता है और ये लिनचिंग को वहाँ से लेकर जाने लगता है। और जब उसका हाथ पकड़ता है तो यांची इसके बाजू पर जो स्कार होता है उसको देख लेती है। शिनहैंग भी अब ये बात नोटिस कर लेते हैं, जल्दी से लिनचिंग को दूसरे हाथ से पकड़ कर वहाँ से लेकर चला जाता है। अब शिनचिंग और लुचिया जीशु से कहते हैं कि तुम अभी थोड़ी देर पहले ये सब कुछ क्या कर रहे थे। तो जीशु इन दोनों को बताता है कि मैं और यांची एक्टिंग कर रहे थे। और अब जीशु इन दोनों को बताता है कि मैं अपना पेन नेम छोड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शिनचिंग काफी हैरान होती है, उससे कहती है कि तुम इसका मतलब भी जानते हो ना। जीशु से कहता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं नॉवल लिखना बंद कर दूंगा और यांची भी फैन फिक्शन नहीं लिखेगी तो हम फैन फिक्शन वर्ल्ड में दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी हम लोग फैन फिक्शन वर्ल्ड में जा रहे हैं। अब इन दोनों को इस बात पर थोड़ा सा यकीन नहीं आ रहा होता। तो लुचिया जीशु से कहता है कि तुम फैन फिक्शन वर्ल्ड में कैसे गए थे। तो जीशु इनको कहता है कि जब भी हम वेबसाइट खोलते हैं तो हम उस दुनिया में चले जाते हैं। जीशु कहता है कि अगर तुम लोग ट्राई करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों को क्या करना है। और अब ये लोग फैन फिक्शन वाली वेबसाइट खोलते हैं और कोशिश करते हैं कि ये लोग फैन फिक्शन वर्ल्ड में चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ये दोनों जीशु से कहते हैं कि अगर तुम हमसे मजाक कर रहे हो तो ये बहुत ही बुरा मजाक है। तो जीशु कहता है कि तुम दोनों मेरी मदद करो शिनहैंग के खिलाफ एविडेंस ढूंढने में और उसके बाद तुम दोनों को यकीन आ जाएगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सच है। अब जीशु ने शिनहैंग और लिनचिंग को डिनर के लिए बुलाया होता है। लुचिया और शिनचिंग होटल के एम्प्लॉय से शिनहैंग के रूम की बहाना करके ले लेते हैं और फिर यांची शिनहैंग के रूम में चली जाती है। यांची शिनहैंग का लैपटॉप खोलती है जाकर, पर उस पर पासवर्ड लगा होता है। ये जीशु को मैसेज करती है कि इसे पासवर्ड का कोई हिंट दो। जीशु उसको दो तीन पासवर्ड्स बताता है और लास्ट वाला पासवर्ड ठीक होता है और शिनहैंग का लैपटॉप खुल जाता है। लेकिन इस दौरान शिनहैंग को जीशु पर शक हो रहा होता है कि ये बार बार किसको मैसेज कर रहा है। अब लुचिया जीशु को सिचुएशन के बारे में बताने के लिए जीशु को कॉल करता है और इतने में शिनहैंग को जीशु पर शक हो रहा होता है, इसलिए ये अपने रूम में वापस चला जाता है। जीशु भी लिनचिंग से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है और ये शिनहैंग के पीछे चला जाता है। और यांची को कुछ एविडेंस मिल जाते हैं जिनकी पिक्चर्स वो ले लेती है। और जब शिनहैंग अपने रूम में दाखिल होता है तो इसका डोर पहले से खुला होता है और इसका लैपटॉप भी चल रहा होता है। ये देखकर शिनहैंग बालकनी में देखने के लिए आता है कि कोई यहाँ पर था तो वो कहाँ गया। और अब यांची यहाँ पर नीचे छुपी होती है और जीशु यहाँ पर आ जाता है, यांची को लेकर यहाँ से चला जाता है। लिनचिंग शिनहैंग के रूम में आती है और ये शिनहैंग से कहती है कि मैं तुम्हें और अपने आप को मजीद धोखा नहीं दे सकती हूँ। मेरे दिल में अभी भी जीशु के लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। और लिनचिंग शिनहैंग से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब यांची जीशु जब यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो जीशु यांची से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और वो ये है कि मेरी असल में भी एक बहन थी और उसका नाम जीफे था। यांची कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि इसीलिए तुम्हारी हर स्टोरी में जीफे जरूर होती है। जीशु कहता है कि जब मैं छोटा था तो हमारी फैमिली बहुत हैप्पीली रहती थी, लेकिन फिर मेरे डैड को बिजनेस में लॉस हो गया जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गयी। लेकिन जब मेरी बहन पैदा होने वाली थी तो उसकी वजह से एक बार फिर मेरी फैमिली खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन फिर मेरी वजह से मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से जीफे कभी पैदा ही नहीं हो पाई। और फिर मेरे मॉम डैड की उसके बाद डिवोर्स हो गई, मेरी वजह से मेरी फैमिली बिखर गई। इस सब के बाद मेरी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो गई और मैं बाकी बच्चों से बहुत अलग बिहेव करता था। और जब कॉलेज में मुझ पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाया गया तो मेरे सब फ्रेंड्स को यही लगा कि इसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी में और चेंज आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस टाइम तक मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यांची
जिशु से कहती है कि तुम मुझे आज ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। जिशु कहते हैं क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और जब भी तुम खतरे में होती हो तो मुझे हमेशा तुम्हें खोने का डर होता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत खामियां हैं लेकिन फिर भी मैं हमारे रिलेशनशिप को बदलना चाहता हूँ और इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। अब ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मुझे अपनाती हो या नहीं। ये सुनने के बाद यांची बहुत कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब यांची और जिशु लुचिया और शिंगशिंग के साथ डिनर करने के लिए आ जाते हैं। डिनर करने के बाद ये सब लोग काफी ड्रिंक करते हैं और फिर जब जिशु यांची को लेकर जा रहा होता है तो यांची जिशु से कहती कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम अभी थोड़ी देर पहले मुझसे यही कह रहे थे ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो जिशु कहता है कि हाँ। ये सुनने के बाद यांची खुशी से डांस करने लगती है। फिर यांची अपना गुड लक चार्म जिशु को देती है। जिशु कहता है कि ये क्या है। यांची कहती है कि ये मेरा गुड लक चार्म है और ये मुझे मेरी ग्रैंड मां ने दिया था। अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम हर दिन खुश रहोगे। जिशु यांची से कहता है कि ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो यांची जिशु से कहती है कि माजी में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी तुमने अपने नॉवेल्स में जिफी को उसके भाई और पेरेंट्स का प्यार दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी भी ब्लेम करती होगी, इसलिए तुम्हें भी अपने आप को माफ कर देना चाहिए। यांची जिशु से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ। और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब अगले दिन जब यांची सोकर उठती है तो जिशु अपने रूम की बालकनी में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। यांची उसको देख रही होती है कि इतने में शिंगशिंग का मैसेज आता है कि जिशु ने अपना सारा नॉवल डिलीट करने का फैसला कर लिया है, इसलिए तुम खुद जाकर जिशु से इस सब की वजह पूछो और उसे ऐसा करने से रोको भी। जिशु यांची के रूम में आकर ऐसे कहता है कि अपना सामान पैक कर लो, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं। अब जब लेन चिंग ऑफिस से वापस आ रही होती है तो यहाँ पर इसे शनहैंग मिलता है। शनहैंग इसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन लेन चिंग इसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। शनहैंग लेन चिंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें यांची ने कुछ बताया है मेरे बारे में। तो इस पर लेन चिंग कहती है कि तुम यांची को कैसे जानते हो। शनहैंग कहते हैं कि हम इसी वीकेंड तो मिले थे यांची से। लेन चिंग कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो, लेकिन खैर वो जो भी है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। शनहैंग कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती हो, आखिर जिशु में ऐसा क्या है जो तुम उसे बुला नहीं पा रही हो। तो लेन चिंग कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जिशु कभी भी दूसरों से जेलस नहीं होता है सिर्फ इस वजह से कि दूसरे उससे बेहतर हैं। लेन चिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्ही ने मेरे से वो यूएसपी चुराई थी और तुम्ही ने जिशु पर कॉलेज में प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाया था। शनहैंग इससे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लेन चिंग कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुमने ये सब कुछ सिर्फ जेलसी में किया है क्योंकि तुम जिशु से उसकी तमाम अचीवमेंट छीनना चाहते थे और उसे तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। घर जाने के लिए जब यांची बस स्टॉप पर आकर बैठती है तो उसे शिंगशिंग की कॉल आती है और ये यांची से पूछती है कि क्या इसने जिशु से बात की। तो यांची कहती है कि मुझे जिशु से बात करने का मौका ही नहीं मिला। फिर शिंगशिंग इससे कहती है कि मुझे जिशु ने बताया है कि तुम वाकई में फैन फिक्शन वर्ल्ड में गई थी। तो यांची कहती है कि हाँ ये बात सच है और मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले ही ये बात बताई थी। शिंगशिंग यांची से कहती है कि मुझे जिशु ने ये भी बताया था कि अगर तुम फैन फिक्शन वर्ल्ड में किसी खतरे में फंस जाती हो तो तुम असली दुनिया में वापस नहीं आ सकती हो। तो यांची कहती है कि हाँ ये बात सच है और मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ कब कोई हादसा होने वाला है और मैं अपनी मर्जी से ना तो फैन फिक्शन वर्ल्ड में आ सकती हूँ ना ही जा सकती हूँ। शिंगशिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी जिशु को कॉल करती हूँ, उसे कहती हूँ कि वो अपना नॉवल डिलीट कर दे। यांची कहती है कि मैं सब कुछ होने से रोक नहीं सकती हूँ और ना ही मैं ये देख सकती हूँ कि जिशु मेरी वजह से अपना नॉवल डिलीट कर दे। यांची कहती है कि फैन फिक्शन वर्ल्ड में जो लोग हैं वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है बल्कि वो हमारी तरह के लोग हैं और अगर मुझे बचाने के लिए ये नॉवल डिलीट भी कर दिया गया तो मुझे उन लोगों का सोचकर बुरा लगता है कि उनके साथ फिर क्या होगा। फिर शिंगशिंग इसको समझाने के लिए एक बात कह रही होती है जिसमें से यांची एक हिंट पिक करती है, इसे कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि इस चीज का क्या सलूशन होगा। हम लोग वेबसाइट के थ्रू फैन फिक्शन वर्ल्ड में जाते हैं और अगर हम इस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान का कनेक्शन ही खत्म कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर शिंगशिंग इसको बताती है कि जिशु ने अपना पेन नेम डिलीट करने की एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। यांची इसको कहती है कि तुम इसकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट करवाने की कोशिश करो और मैं जाकर जिशु से बात करती हूँ। यांची अब जिशु के घर जाती है और उसको कहती है कि तुम्हें अपना नॉवल डिलीट नहीं करना चाहिए बल्कि हम लोग वेबसाइट के थ्रू फैन फिक्शन वर्ल्ड में जाते थे, हमें बस उस रास्ते को बंद करना है बल्कि हमें सिर्फ उस लिंक को क्लोज करना है जिसके जरिए से ये दो वर्ल्ड्स आपस में जुड़ गए हैं। लेकिन जिशु कहता है कि मेरे नॉवल की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है क्योंकि बेसिक प्लॉट जो फैन फिक्शन वर्ल्ड का है वो मेरे नॉवल का है। यांची कहती है कि तुमने भी उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, क्या तुम चाहोगे कि वो लोग हमारी वजह से गायब हो जाएं? तो जिशु कहता है कि अगर मैं उस दुनिया से यहाँ पर आ जाऊँ लेकिन इस दुनिया में मुझे तुम दिखाई ना दो तो मैं अपने आप को अभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यांची कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन हम कोई और रास्ता भी तो तलाश कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं तुम्हें एक बार फिर से अपनी वजह से तुम्हारी अचीवमेंट्स को
छाया होते हुए नहीं देख सकती हूँ। जिशु कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब यांची रोते हुए जिशु से कहने लगती है कि पास्ट में भी मेरी वजह से तुम्हें इतनी नाकामी और लोगों के हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन तुमने मुझे कभी भी ब्लेम नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया और अभी भी तुम वही कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिशु यांची को किस करता है, लेकिन इसके साथ ही यांची यहाँ से गायब हो जाती है और साथ ही जिशु अपना फोन चेक करता है तो नॉवल का न्यू चैप्टर अपलोड हो गया होता है और थोड़ी देर बाद जिशु भी नॉवल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। यांची एक रोड पर खड़ी होती है और सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। इस कार को शिनहैंग ड्राइव कर रहा होता है। यांची जैसे ही देखती है कि शिनहैंग जानबूझकर यांची को हिट करने की कोशिश कर रहा है तो ये भागना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बावजूद यांची को शिनहैंग हिट कर देता है और यांची नीचे गिर जाती है। जिशु वाटर पार्क में ही होता है और ये यूले और शिनिंग से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने यांची को देखा है, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। लेकिन इस दफा फिर से यांची के सारे जख्म हील हो जाते हैं। अब यांची यहाँ से उठकर खड़ी होती है और जिशु की कॉल आ रही होती है, तो शिनहैंग कहता है कि तुम्हें जिशु की कॉल अटेंड करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुम किस मुसीबत में हो, ताकि वो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए। लेकिन यांची जिशु की कॉल अटेंड नहीं करती है। शिनहैंग यांची से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? तो यांची कहती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। अब जिशु गाड़ी में आकर बैठता है तो शिनहैंग जिशु को वीडियो कॉल करता है और अब शिनहैंग यांची से कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 सेकंड्स देता हूँ, अगर तुम भागना चाहती हो तो भाग जाओ। लेकिन यांची नहीं भागती। यांची अब नोटिस करती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और फिर इसे याद आता है कि अगर शिनहैंग ने मुझे हिट किया भी तो मुझे चोट नहीं लगेगी, और अब एक बार फिर से शिनहैंग इसको हिट कर देता है। जिशु ये सब कुछ देख रहा होता है और ये यांची की वजह से बहुत परेशान हो जाता है। अब शिनहैंग देखता है कि यांची फिर से खड़ी हो जाती है और इतने में जिशु भी यहाँ पर पहुँच जाता है। जिशु शिनहैंग से कहते हैं कि तुम इस दफा यांची को हिट नहीं करोगे, तो शिनहैंग कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओगे। अब जिशु और शिनहैंग ऑपोजिट वे में ड्राइव कर रहे होते हैं और जिशु शिनहैंग की गाड़ी को हिट कर देता है और वो साइड पर जाकर गिर जाती है। अब जिशु जल्दी से यांची के पास आता है और इसको जल्दी से आकर गले लगा लेता है और इसे कहने लगता है कि तुमने ऐसा करते हुए एक दफा भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अगर इस सारे प्रोसेस के दौरान तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। यांची जिशु से कहती है कि मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, हम असली दुनिया में तो शिनहैंग के खिलाफ कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगा कि हम यहाँ से एविडेंस इकट्ठे कर सकते हैं। यांची ये कह ही रही होती है कि ये यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब यांची हॉस्पिटल में होती है और इसे होश आता है तो कहती है कि जिशु कहाँ पर है। जिशु कहती है कि मुझे नहीं मालूम, और इतने में जिशु रूम में आ जाता है। यांची जिशु से कहती है कि क्या तुम्हें सीसीटीवी की वो फुटेज मिल गई, तो जिशु कहता है कि तुम अभी भी बीमार हो इसलिए तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। फिर यांची जिशु से कहती है कि मुझे माफ कर दो। जिशु यांची से कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यांची जिशु से कहती है कि उस टाइम पर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तो जिशु यांची से कहता है कि शिनहैंग ने मेरी आंखों के सामने तुम्हें हिट किया और मैं सिवाय देखने के और कुछ नहीं कर पाया उस टाइम पर। यांची कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। जिशु कहता है कि तुम इस तरह की गलती दोबारा नहीं करना, और फिर इसको बेड पर लिटा देता है कि तुम रेस्ट करो। जिशु यांची से नाराज होता है तो जिफी भी आकर इसे पूछती है कि क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन यांची इसको कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन अब जिफे यांची को हॉस्पिटल से घर ले आती है। यहाँ पर जिशु भी आ जाता है। यांची जिशु से बात करना चाह रही होती है, लेकिन जिशु इसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर यांची गिरने का बहाना करती है और जिशु जल्दी से इसके पास आ जाता है। यांची जिशु से कहती है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, और फिर जिशु इसको उठाकर अंदर ले जाता है। यांची जिशु को गले लगाकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, इसलिए अब तुम गुस्सा नहीं करो, और अब से मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और आइंदा मैं कभी भी अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगी। जिशु यांची से कहता है कि जब हम असली दुनिया में जाएंगे तो मैं तुम्हारा गुड लक चार्म तुम्हें वापस कर दूंगा। तो यांची कहती है कि तुम ऐसे सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि मेरे साथ ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास मेरा गुड लक चार्म नहीं था। तो जिशु कहता है कि हाँ ऐसा ही है। यांची कहती है कि किसी का दिया हुआ तोहफा वापस नहीं करते, लेकिन तुम मुझे एक नया तोहफा दे सकते हो। जिशु कहता है कि ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं कि अचानक से यहाँ पर जिफे और जिशु के पेरेंट्स आ जाते हैं और यांची एम्बेरसमेंट के बायस सोफे के पीछे छुप जाती है। अब ये सब लोग जिशु के घर पर आ जाते हैं। अब जिशु के पेरेंट्स इसको डांट रहे होते हैं कि तुम अभी तक इस लड़की के साथ क्यों हो। जिशु की मॉम यांची से कहती है कि तुमने तो हमसे वादा किया था कि तुम हमारे बेटे को छोड़ दोगी, लेकिन अब तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर दिया है, क्या हमने तुम्हें काफी पैसे नहीं दिए। यांची कहती है ऐसी बात नहीं है। जिशु यांची की बात काटते हुए कहता है कि इसने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं। यांची कहती है कि हाँ जिशु ठीक कह रहे हैं, हमारे दरमियान बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और हम उस दिन सिर्फ मजाक कर रहे थे। जिशु के डैड कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम दोनों मजाक कर रहे थे या नहीं, लेकिन मैंने अंकल शू से बात कर ली है और तुम्हारी शादी उनकी बेटी से ही होगी। जिशु कहता है लेकिन मैं अंकल शू की बेटी के साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ।
हूँ। अब यहाँ पर जिशु और इसके डैड की बहस शुरू हो जाती है तो येनची कहने लगती है कि मैं जिशु से ब्रेकअप करना चाहती थी लेकिन जिशु इस बात पर एग्री नहीं था, इसलिए उस दिन मैंने ये सब ड्रामा किया कि अगर जिशु के पेरेंट मुझे पसंद नहीं करेंगे तो जिशु मुझ पर गिव अप कर देगा। जिशु की मॉम येनची से कहती है कि मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ, तो येनची कहती है कि शादी दो फैमिलीज के दरमियान होती है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से जिशु आप लोगों से लड़ाई करे। जिशु की मॉम येनची से कहती है कि तुम हमारे साथ नीचे आओ। जिशु टेरेस से येनची और अपनी मॉम को देख रहा होता है। जिशु की मॉम येनची से कहती है कि मैं जानती हूँ कि जिशु के डैड और मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से जाने के लिए कह रहे हैं और ये काफी हार्श भी है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि तुम दोनों दूसरे के लिए सूटेबल हो, इसीलिए मैं तुम्हें 2 मिलियन यौन दे रही हूँ जिशु को छोड़ने के लिए और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ सकती हो। येनची पैसे नहीं ले रही होती लेकिन जिशु की मॉम इंसिस्ट करती है येनची को ये लेने के लिए। अब जब जिशु की मॉम यहाँ से चली जाती है तो येनची खुशी से डांस कर रही होती है, जिशु उसको देख रहा होता है। अब येनची चेक लेकर जब ऊपर आती है तो जिफे कहती है कि मेरे मॉम डैड ने तुम्हें मेरे भाई के साथ ब्रेकअप करने के लिए कहा है लेकिन इसके बावजूद तुम इतना खुश क्यों हो। तो येनची कहती है कि आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया है, मुझे नहीं मालूम था कि सिर्फ इतनी सी बात पर मुझे इतने सारे पैसे मिल सकते हैं। अब जिशु येनची से कहते हैं कि तुम क्या करोगी। येनची कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगी बल्कि मैं इस मसले को हल करने का कोई और रास्ता ढूंढती हूँ। अगले दिन शूट येनशियन जो कि असली दुनिया में लिंचिंग है, वो जिशु के ऑफिस में आती है और पूछ रही होती है सबसे कि जिशु कहाँ पर है। येनची इसको जिशु के ऑफिस के पास ले जाती है और ये जिशु से कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। जिशु शूट येनशियन से कहता है कि मेरी कोई फियांसे नहीं, बस मेरी एक गर्लफ्रेंड है। शूट येनशियन कहती है कि तुम इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे मॉम डैड ने ये फैसला ले लिया है। शूट येनशियन कहती है कि कल जिशु के डैड ने मुझे इस कंपनी के कुछ शेयर्स दिए हैं, इसलिए शेयर होल्डर की हैसियत से मैं येनची तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। लेकिन येनची कहती है कि मेजोरिटी शेयर होल्डर जिशु के पास है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से निकालने का। जिशु शूट येनशियन से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम कंपनी का माहौल खराब कर रही हो। ये नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अब जिशु येनची को अपने ऑफिस में ले आता है। अब येनची जिशु से आकर कहती है कि क्या तुम सारा दिन लिंचिंग के बारे में सोचते रहती हो कि इस दुनिया में भी लिंचिंग आ गई है। तो जिशु कहता है कि ये लिंचिंग नहीं बल्कि शूट येनशियन है। तो येनची कहती है कि उसकी शक्ल तो बिल्कुल लिंचिंग जैसी ही है ना। अब जिशु यहाँ पर येनची को किस कर लेता है। इतने में मिस्टर जैन ऑफिस में आ जाते हैं, इन्हें जिशु से कुछ पेपर पर साइन करवाने होते हैं। अब मिस्टर जैन नोटिस कर लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान झगड़ा खत्म हो गया, ये दोनों फिर से एक साथ हो गए हैं। अब ये न्यूज पूरे ऑफिस में फैल जाती है और मिस्टर जैन सारे वर्कर्स को किचन में इकट्ठा कर लेते हैं। इतने में जिशु अपने ऑफिस से बाहर आता है और जिशु येनची का हाथ पकड़कर इसे यहाँ से ले जाता है। ये देखकर सारे वर्कर्स काफी खुश हो रहे होते हैं। अब ये दोनों बाहर आते हैं ऑफिस से तो शूट येनशियन खड़ी होती है यहाँ पर और ये जिशु से कहती है कि इसे येनची से अकेले में बात करनी है। अब शूट येनशियन और येनची रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। शूट येनशियन येनची से कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जिसके बाद तुम जिशु को छोड़ दोगी। तो येनची कहती है कि जिशु के मॉम डैड ने भी मुझे पैसे दिए हैं लेकिन मैं इसके बावजूद भी जिशु को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। शूट येनशियन येनची से कहती है तुम जी फैमिली को दे ही क्या सकती हो। तो येनची यहाँ पर इमोशनल होकर इसे कहने लगती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ बचपन में हो गई थी और मैंने बहुत यंग एज में काम करना शुरू कर दिया था। आप जैसे अमीर लोग हमारी फीलिंग्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं। ये बात सुनकर शूट येनशियन को येनची पर तरस आता है, उसे कहती है कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर लिया है कि मैं जी फैमिली में ही शादी करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे दे देती हूँ, शायद इसी के जरिए से मैं तुम्हें कंपनसेट कर सकूं। अब यहाँ पर शनहैंग वेटर के तौर पर काम कर रहा होता है और यहाँ पर जिशु भी आ जाता है और शनहैंग जिशु को देख लेता है, लेकिन येनची कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए हैं। शूट येनशियन कहती है कि तुम्हारा और जिशु का रिलेशनशिप अभी नया है, इसलिए अगर तुम उसके साथ ब्रेकअप कर भी लोगी तो तुम्हें इतना दुख नहीं होगा। तो येनची कहती है कि तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम है कि जब मैं और जिशु पहली दफा मिले थे तो जिशु एक बिल्डिंग से गिर गया था, मैंने जिशु की जान बचाई थी लेकिन इस एक्सीडेंट में जिशु को कुछ चोटें आई थी जिसके बाद जिशु की मेमोरी चली गई थी और उस टाइम पर मैंने जिशु की मदद की थी उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद मुझे 5 साल तक मालूम नहीं था कि जिशु किस तरह का है, फिर मेरी जॉब इस कंपनी में होगी और मुझे जिशु से दोबारा मिलने का मौका मिला और तब मुझे मालूम हुआ कि जिशु की मेमोरी तो वापस आ गई है लेकिन वो मेरे बारे में भूल चुका है। येनची की ये स्टोरी सुनकर शूट येनशियन तो बहुत इमोशनल हो जाती है। येनची इसके सामने रो भी रही होती है। शूट येनशियन कहती है कि फिर जिशु को तुम्हारे बारे में याद कैसे आया। तो येनची कहती है कि एक टाइम आ गया था जब मैं जिशु पर गिव अप करने वाली थी कि जिशु का कार एक्सीडेंट हो गया और तब भी मैंने जिशु की जान बचाई और इस एक्सीडेंट के बाद जिशु की मेमोरी वापस आ गई और तब से हम दोनों साथ हैं। शूट येनशियन कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना गहरा है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी जिशु के पेरेंट्स को मनाने के लिए। इसके बाद येनची जिशु के साथ चली जाती है। अब जाते हुए शूट येनशियन को शनहैंग मैसेज कर
करता है कि तुम्हें जीशु के पेरेंट्स को तमाम सच्चाई बता देनी चाहिए ताकि जीशु और इसके पेरेंट्स के दरमियान मजीद मसले हों। जब जीशु और यांसी घर पर पहुंचते हैं तो जीशु के पेरेंट के साथ शूटी एंशियन बैठी होती है। यांसी इसको देखकर बहुत हैरान होती है। जीशु के डैड यांसी पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अभी तक मेरे बेटे के साथ क्यों हो। तो शूटी एंशियन कहती है कि यांसी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अब बाहर आकर शूटी एंशियन ड्रामा करने लगती है और ऊंची ऊंची ये बोल रही होती है कि मैं बिजनेस में सिर्फ जीशु को यूज करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं जीशु को छोड़ दूंगी। अब ये बात ये जानबूझकर जीशु के पेरेंट्स को सुना रही होती है। ये बात सुनकर जीशु के पेरेंट्स बाहर आते हैं और शूटी एंशियन से कहते हैं कि अपने डैड से जाकर कहो कि तुम्हारी और जीशु की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। यांसी सोच रही होती है कि शिनहैंग ने एक ऐसा कैरेक्टर क्यों कहानी में ऐड किया है जो हमारी मदद कर रहा है, इसको ये बात समझ नहीं आ रही होती। अब जीशु अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे आप दोनों से एक बात करनी है और फिर थोड़ी देर बाद जीशु यांसी को भी अंदर बुला लेता है। जीशु की मॉम अब यांसी से बहुत प्यार से बात कर रही होती है। असल में जीशु ने वही कहानी जो यांसी ने शूटी एंशियन को सुनाई होती है अपने पेरेंट्स को बता देता है और अब इसके पेरेंट्स यांसी से कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि तुम हमारे बेटे को इतना पसंद करती हो और हमारे बेटे की वजह से तुमने इतनी मुश्किलात का सामना किया है। ये जानने के बाद अब हमें तुम दोनों के रिलेशनशिप पर कोई एतराज नहीं है। अब जीशु और यांसी उस दिन वाली सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। यांसी जीशु से कहती है कि अब हमें कोई रास्ता तलाश करना चाहिए जिसके जरिए से हम दोनों वापस जा सके। पहले तो जब भी हम यूले और शिनिंग के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर देते थे तो हम वापस चले जाते थे। जीशु कहता है कि अब तो यूले और शिनिंग का ब्रेकअप हो गया इसलिए उन दोनों के दरमियान की स्टोरी तो खत्म हो गई है। अब यकीनन वापस जाने के लिए कोई नया रूल होगा। अब यांसी सोचती है कि लास्ट दो दफा इनके साथ क्या हुआ है। तो यांसी ये नोटिस करती है कि जब भी ये दोनों किसी मुश्किल में होते हैं तभी ये दोनों वापस जा सकते हैं। तो यांसी जीशु से कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे वापस जाने का न्यू रूल तुमसे रिलेटेड है। अब अगले दिन यांसी और जीशु शिनिंग की शूटिंग देखने के लिए सेट पर आते हैं। जीशु यांसी से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होने वाला है। यांसी कहती है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। जीशु कहता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर यूले भी पहुँच जाएगा। अब जेंग और शिनिंग शूट खत्म होने के बाद बाहर आते हैं तो यांसी शिनिंग के पास जाती है और इससे ऐसे ही नॉर्मली बात करने लगती है। इतने में ट्रॉली में कुछ सामान आ रहा होता है जो कि शिनिंग पर गिरने वाला होता है, लेकिन यांसी शिनिंग को बचाती है और जीशु यांसी को बचाता है। अब यांसी देखने लगती है लेकिन यहाँ पर वो स्क्रीन शो नहीं होती है और एक बार फिर ये लोग वापस नहीं जा पाते हैं। अब यहाँ पर यूले पहुँच जाता है और यांसी गलती से शिनिंग को धक्का दे देती है जिसकी वजह से शिनिंग और जेंग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब दूर से यूले ये देख लेता है और उसको ये अच्छा नहीं लगता। जीशु और यांसी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जीशु पहली दफा फैन फिक्शन वर्ल्ड में आया था। ये रेस्टोरेंट जीशु ने पूरा रिजर्व करवाया होता है। अब यहाँ पर शिनिंग और जेंग भी आ जाते हैं। रेस्टोरेंट ऑनर इन दोनों से कहने लगता है कि ये जगह तो मिस्टर जीशु ने रिजर्व करवाई हुई है इसलिए आज हम आप लोगों को सर्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीशु ऑनर से कहता है कि हम इन लोगों को जानते हैं इसलिए हमें कोई मसला नहीं है। फिर ये चारों डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। यांसी जीशु से कहती है कि अगर हम वापस जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर यूले की जरूरत है, इसलिए यांसी यूले को मैसेज करके यहाँ बुला लेती है। अब जेंग को अपनी मॉम की कॉल आती है इसलिए ये कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर आकर जेंग अपनी मॉम की कॉल काट देता है और यहाँ पर फैंग यांग खड़ी होती है। इसने ड्रिंक किया होता है इसलिए इसकी तबीयत खराब लग रही होती है। फैंग यांग जेंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये इसे कहता है कि मैं आज अपनी दोस्त के साथ खाना खाने के लिए आया हूँ। अगर सच बोलूँ तो मैं भाग कर आया हूँ। जब से मैंने डेब्यू किया है तब से मेरी मॉम मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहती है मैं अभी तक वही करता आ रहा हूँ। अब वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मूवी का रोल यूले को मिल गया है और मुझे नहीं। जेंग फैंग यांग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रुक कर ड्रिंक कर सकती हो। तो फैंग यांग कहती है कि ये अजीब नहीं लगेगा कि तुम अपनी ओपोनेंट की मैनेजर के साथ बैठ कर ड्रिंक कर रहे हो और अगर ये मीडिया पर एक्सपोज हो गया तो ये इश्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और वैसे भी मुझे जरूरी काम है जिसकी वजह से मुझे जाना है। ये कहकर फैंग यांग यहाँ से चली जाती है। अब रेस्टोरेंट की तरफ से शिनिंग और यांसी को फ्लावर बुके दिए जा रहे होते हैं और जब यांसी को बुके मिलने वाला होता है तो जीशु नोटिस करता है कि ये तो शिनहैंग है। शिनहैंग यांसी पर हमला करने वाला होता है कि जीशु इसको रोक देता है। शिनहैंग वहाँ से भाग जाता है और यांसी इसका पीछा करती है। जीशु काफी परेशान होता है कि यांसी शिनहैंग के पीछे क्यों चली गई है, इसलिए इसको ढूंढने के लिए इसके पीछे आता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद इसको यांसी मिल जाती है। जीशु यांसी से कहता है कि तुम्हें मालूम भी है कि शिनहैंग किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। जीशु बहुत ज्यादा
इमोशनल होकर यांची से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। यांची कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिशु रोने लगता है तो यांची इसको गले लगा लेती है। अब यांची फिर से वो व्हाइट बोर्ड ले आती है और जिशु से कहती है कि हम लोगों को जल्दी मालूम करना होगा कि हम किस तरीके से वापस जा सकते हैं। अब जब ये दोनों सारे इंसिडेंट्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जीफे आ जाती है और ये व्हाइट बोर्ड को देख कर कहती है कि तुम लोग कंपनी का न्यू नॉवल पढ़ रहे हो। तो ये दोनों कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझी हो। अब जीफी इन दोनों से इस नॉवल की स्टोरी सुनती है जो कि इन दोनों की अपनी सिचुएशन होती है और जीफे इनको सलूशन दे देती है कि तुम दोनों जो कुछ भी कर लो वापस नहीं जा सकते हो रियल वर्ल्ड में, क्योंकि जो भी रूल्स या स्टोरी बनाई गई है वो असली दुनिया में बनाई गई है। इसलिए अगर रूल्स को चेंज करना भी है तो वो भी रियल वर्ल्ड में से कोई चेंज कर सकता है। अब जीशु कहता है कि अगर प्रीवियस रूल्स को देखा जाए तो उससे मुझे ये समझ आ रही है कि जब तक एंडिंग बिल्कुल चेंज नहीं हो जाती तुम तब तक इस नॉवल में मर नहीं सकती हो, इसी वजह से तुम्हारे जख्म बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने एंडी को चेंज नहीं किया तो तुम इसी दुनिया की मेंबर बन जाओगी। तो यांची कहती है कि फिर शनहैंग के बारे में क्या, वो तो कभी भी इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रेवल कर सकता है। जिशु कहता है कि शनहैंग ने स्पेस ट्रेवल का कोई बहुत आसान रूल डिस्कवर कर लिया जिसके जरिए से वो बहुत आसानी से इन दो वर्ल्ड के दरमियान ट्रेवल कर सकता है, लेकिन हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर वापस जाना होगा ताकि हम इस नॉवल के रूल्स को चेंज कर सकें। अब अगले दिन जब जीशु और यांची ऑफिस आते हैं तो जीशु पूरे स्टाफ के साथ एक मीटिंग करता है और उसमें मिस्टर जेन से पूछता है कि चिनिंग के बारे में जो न्यू ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है उसके बारे में क्या अपडेट है। तो मिस्टर जेन जिशु को बताते हैं कि चिनिंग के बाप ने कोई भी जुर्म नहीं किया है, जो शख्स विक्टिम की फैमिली के पैसे लेकर भागा था वो कोई और था और सिर्फ चिनिंग के बाप को फ्रेम किया जा रहा है। इस वजह से बैंकक्रप्ट कंपनी के मालिक ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, इसलिए अब विक्टिम की फैमिली चिनिंग के बाप के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। अब यहाँ पर यांची को याद आता है कि जब ये लोग कल रात डिनर कर रहे थे तो यांची ने के हाथ पर चोट का निशान देखा था। अब जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो यांची जिशु से पूछती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विक्टिम की फैमिली ने ही शिनिंग को मारा था, इसी वजह से उसके बाजू पर वो निशान था। जिशु कहता है कि इस सब के पीछे शनहैंग है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉलेज में शनहैंग की एक लड़का लड़की से टक्कर होती है और जब ये दोनों देखते हैं कि शनहैंग है तो इसके पीछे ये बात करने लगते हैं कि पहले ये बहुत अमीर हुआ करता था लेकिन इसका फैमिली बिजनेस खत्म हो गया है। इसके बाप के बैंकक्रप्ट हो जाने की वजह इसकी मॉम ने इसके डैड से डिवोर्स ले ली है। अब यहाँ पर लिनचिंग लुचिया और जीशु खड़े देख रहे होते हैं, इसलिए ये शनहैंग के पास आ जाते हैं और लुचिया शनहैंग से आकर कहता है कि तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दो, जीशु की फैमिली भी बिल्कुल तुम्हारी फैमिली की तरह है, लोग इसके लिए भी बुरी बातें करते लेकिन देखो वो तो किसी बात की तरफ ध्यान नहीं देता है, इसलिए तुम्हें भी इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जीशु यांची को बताता है कि इसके बाद लुचिया अक्सर ही हमारी गैदरिंग में शनहैंग को बुला लिया करते थे जिसकी वजह से हम तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। यांची कहती है फिर इसके बाद क्या हुआ, तो जिशु कहता है कि शनहैंग की मॉम का इस पर बहुत कंट्रोल था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि शनहैंग से आगे कोई निकल जाए, इसलिए वो इसे फोर्स करती थी कि इसे हमेशा टॉप पर रहना है। यांची कहती है कि कुछ लोग अपना बेस्ट देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ लोग दूसरों से जेलस होते हैं और उनको गिराने की कोशिश करते हैं, शनहैंग भी उन्हीं लोगों में से है। फिर यांची जिशु से कहती है कि जब शनहैंग ने तुम्हारे खिलाफ ये साजिश शुरू नहीं की थी तब तुम सैड तो जरूर हो गए। तो जिशु कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि शनहैंग मुझसे इतनी नफरत करता है। यांची कहती है कि अब हमें मालूम हो गया है कि चिनिंग के साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है, इसके बावजूद अब शनहैंग हम लोगों को प्रोवोक क्यों कर रहा है। जिशु कहता है कि वो चाहता है कि हम इस गेम में और ज्यादा इन्वॉल्व हों, वो मुझे ये रिमाइंड करवाना चाहता है कि मैंने और उसने एक जैसे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं लेकिन तुम्हारी वजह से मैं चेंज हो गया हूँ। यांची कहती है इसका मतलब ये है कि शनहैंग ये सोच रहा है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगे। अब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर शनिंग शूटिंग कर रही होती है। जीशु यांची से कहते हैं कि जब तुम वापस जाओगी तो मेरे कंप्यूटर से उस दिन वाली सीसीटीवी फुटेज ले आना, मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड, वो टाइम और डेट है जिस दिन मैं इस दुनिया में आया था। ये दोनों शनिंग का पीछा कर रहे होते हैं कि अचानक शनहैंग शनिंग को वहाँ से ले जाता है। शनहैंग शनिंग को एक बिल्डिंग की टॉप ले आता है और जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो इसने शनिंग को बांधा होता है। जिशु शनहैंग से कहता है कि तुम शनिंग के साथ कुछ भी नहीं करोगे, तो शनहैंग जिशु से कहता है कि आज या तो मैं शनिंग को यहाँ से नीचे फेंक दूंगा या तुम खुद यहाँ से छलांग लगाओगे। जिशु कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम इसको नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शनहैंग को नॉवल लिखना पसंद है और ये अपने नॉवल
वेबसाइट पर सबमिट करता रहता था, लेकिन इसे बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। और उस टाइम पर जीशु एक पॉपुलर ऑथर बन गया था, जिसकी वजह से शेनहैंग ने जीशु से जेलस होना शुरू कर दिया था। अब ये जीशु से कहता है कि तुम एक दफा फिर मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हो, लिनजिंग ने भी मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अगर तुम ही हमेशा के लिए गायब हो जाओगे तो लिनजिंग मेरे पास ही आएगी। जीशु शेनहैंग से कहता है कि मेरे और लिनजिंग के दरमियान कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। जीशु यांजी से कहता है कि मैं शेनहैंग से निपटने की कोशिश करता हूँ और तुम जाकर शेनहैंग को बचाओ। अब जीशु इसको वहाँ से नीचे गिरा देता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ यांजी शेनहैंग को बचा लेती है। लड़ाई के दौरान शेनहैंग जीशु को जख्मी कर देता है। यांजी शेनहैंग से कहती है कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। जीशु यांजी से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम घर जा सकते हैं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस दफा मुझे चोट लगी है, तुम्हें नहीं। लेकिन यांजी इसको देखकर रो रही होती है। अब यहाँ पर यांजी को वो स्क्रीन दिखाई देती है। यांजी यस के बटन पर जाकर क्लिक करती है, लेकिन जब यांजी को होश आता है तो ये फिर से इसी दुनिया में होती है। अब ये जीशु को कॉल करती है तो जेफी फोन उठाकर कहती है कि मेरा भाई हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ असली जीशु वापस रियल वर्ल्ड में आ गया होता है। ये यांजी के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन इसका नंबर मुसलसल बंद आ रहा होता है। अब जीशु अपने रूम में आकर फैन फिक्शन वाली वेबसाइट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ये लिखा आ रहा होता है कि इस नाम की कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जीशु लिनजिंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि शेनहैंग कहाँ पर है, लेकिन लिनजिंग कहती है कि मुझे नहीं मालूम। लिनजिंग जीशु से कहती है कि हम बैठकर बात करते हैं। जीशु लिनजिंग को बताता है कि जो प्लेजरिज्म वाला सारा मामला हुआ था, इसके पीछे शेनहैंग था। लिनजिंग कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी शेनहैंग को ढूंढने के लिए। लिनजिंग कहती है कि जब मैं आज अपने कमरे से चीजें कलेक्ट कर रही थी तो मुझे वहाँ से एक पेपर मिला जो कि शेनहैंग का है। ये पेपर ये जीशु को दे देती है। इस पेपर पर एक जगह का एड्रेस लिखा होता है और जीशु उस जगह पर पहुँच जाता है, और ये वही जगह होती है जिसके जरिए से शेनहैंग ये वेबसाइट ऑपरेट कर रहा था। और अब शेनहैंग ने ये वेबसाइट डिलीट करने के लिए लगाई होती है। अब जब जीशु को फैन फिक्शन वर्ल्ड में होश आती है तो यांजी काफी परेशान होती है और इसको पूछ रही होती है कि तुम कैसे हो। इसके साथ जेफी भी खड़ी होती है, तो जीशु जेफी से कहता है कि मेरी एम्प्लॉय यहाँ पर क्या कर रही है। अब जब यांजी गौर करती है तो इसे मालूम होता है कि ये इस दुनिया वाला जीशु है और असली जीशु वापस जा चुका है। अब जेफी जीशु को एक्सप्लेन करने वाली होती है कि ये कौन है, लेकिन यांजी इसको बाहर लेकर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें जीशु को मेरे बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जेफी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में उसको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये सारी सिचुएशन उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी, मुझसे बार बार पूछ रहा है। तो यांजी जेफी से कहती है कि तुम सिर्फ उसको ये बता दो कि शेनहैंग मुसीबत में थी और शेनहैंग को बचाते हुए उसको ये चोट लग गई है। जब जेफी चले जाती है तो यांजी हैरान हो रही होती है कि इस दफा मैं क्यों वापस नहीं जा पाई हूँ। जब यांजी घर पर पहुंचती है तो जेफी भी जीशु को लेकर घर पर आ चुकी होती है। जीशु यांजी से पूछता है कि तुम मेरे घर के सामने क्या कर रही हो, तो जेफी जीशु से कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम ही ने खुद यांजी को ये घर रेंट पर दिया था। यांजी कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्द से जल्द अपने लिए कोई और घर ढूंढ लूंगी। जीशु कहता है कि हाँ यही ठीक रहेगा। ऑफिस के तमाम लोग ही जीशु का ये अजीब बिहेवियर नोटिस करते हैं। इतने में मिस्टर जैन यहाँ पर आते हैं और इनसे कहते हैं कि जीशु बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, मुझे लगा था कि में आने के बाद वो मुझसे पूछेंगे यांजी के बारे में, लेकिन उसने तो मुझसे यांजी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। मिस्टर जैन कहते हैं कि मैं जाकर जीशु से बात करता हूँ। मिस्टर जैन जीशु से जाकर कहते हैं कि तुमने यांजी के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करने में काफी मेहनत की थी और अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कैसे भूल सकते हो। जीशु गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर बहुत हैरान होता है और फिर ये यांजी को अपने ऑफिस में बुलाता है। जीशु यांजी से पूछता है क्या वाकई में हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मेरी बहन को भी इस बारे में मालूम है। यांजी कहती है कि अगर आपको याद नहीं है हम दोनों के लिए ही बेहतर है कि हम दोनों ऐसे प्रिटेंड करें जैसे हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। जीशु कहता है कि हाँ यही ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे भी मुझे रेस्टोरेंट के बाद से तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब जीशु शेनहैंग के शूटिंग सेट पर आया होता है। शेनहैंग जीशु से पूछती है कि यांजी कहाँ पर है, तो जीशु कहता है कि क्या तुम्हें भी मालूम है कि हमारे दरमियान क्या हुआ था। तो शेनहैंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो जीशु कहता है कि मेरा और यांजी का ब्रेकअप हो गया है। तो इस पर शेनहैंग बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुम दोनों तो एक साथ काफी खुश थे, फिर अचानक से ये क्या हो गया है। तो जीशु उसको बताता है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, इसलिए मुझे यांजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। शेनहैंग कहती है कि फिर तुम्हें अपनी मेमोरी वापस लाने पर फोकस करना चाहिए। तो जीशु कहता है कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। तो शेनहैंग कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हें अपना टाइम मुझ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यांजी जीशु के घर पर जाती है तो घर पर जेफी होती है। जेफी से कहती है कि मेरा भाई तो अभी भी बाहर गया है। तो यांजी कहती है कि ये अच्छा है, मुझे जीशु की स्टडी में जाना है, उसके कंप्यूटर में से मुझे कुछ पिक्चर्स डिलीट करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन पिक्चर्स
को देखकर उसे किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़े। अब यांजी जब जीशु की स्टडी में जाती है तो लॉक स्क्रीन पर पासवर्ड चाहिए होता है। यांजी जीफे से पूछती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि जीशु के कंप्यूटर का क्या पासवर्ड है। तो जीफे कहती है कि मैं पहली दफा यहाँ पर आई हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। फिर यांजी जीफे से पूछती है कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और यांजी जब पासवर्ड में जीफे की डेट ऑफ बर्थ डालती है तो कंप्यूटर खुल जाता है। और अब यांजी को याद आता है कि जीशु ने इसको बताया था कि जिस फोल्डर में इसने वो सीसीटीवी फुटेज रखी हुई है उस पर भी पासवर्ड लगा हुआ है, और वो पासवर्ड वो डेट है जब ये फैन फिक्शन वर्ल्ड में आया था। अब यांजी को वो फाइल्स मिल जाती हैं और ये इन्हें अपने मोबाइल फोन पर कॉपी कर लेती है। दूसरी तरफ जीशु लुचिया और शिंगशिंग के साथ शिनहैंग के सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यांजी को अचानक से कुछ याद आता है तो जीफे से पूछती है कि तुम्हारा भाई कौन से हॉस्पिटल में है। तो जीफे इसको कहती है कि वो पीपल हॉस्पिटल में है। यांजी वहाँ पर जाती है तो जीशु डॉक्टर से ये कंसल्ट कर रहा होता है कि मेरी मेमोरी क्यों लॉस हुई है। इतने में वहाँ पर यांजी आती है और इससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। यांजी इसको एक पार्क में ले आती है और ये जीशु से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ अभी बहुत रफली बिहेव किया है, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तो जीशु कहता है कि क्या हम दोनों वाकई में कपल थे। तो यांजी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यांजी कहती है कि अगर तुम सच्चाई सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें थोड़ी अजीब लगेंगी और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी उन बातों को राज रखोगे। जीशु कहता है कि ठीक है। अब यांजी जीशु से कहती है कि क्या तुमने कभी हायर डिमेंशनल स्पेस के बारे में सुना है। तो जीशु कहता है कि हाँ। यांजी कहती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, और जो तुमने अपनी मेमोरी लॉस की है वो तुम्हारी मेमोरी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी जगह पर किसी और ने वो सब एक्सपीरियंस किया है, वो भी टू डिमेंशनल वर्ल्ड से है। ये बिल्कुल पैरेलल वर्ल्ड की तरह है। हम यहाँ पर खुद ब खुद आ गए थे, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो यहाँ से चला गया है और फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। जीशु कहता है कि अगर तुम जो कुछ भी कह रही है वो सच है तो फिर तुम क्यों नहीं वापस गई। तो इस पर यांजी कहती है कि तुम्हें मेरी सब बातें फैंटेसी लग रही है ना। तो जीशु कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन ना करूं तो और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई आंसर है। तो यांजी कहती है कि हाँ ऐसा ही है। जीशु कहता है कि क्या उस शख्स में और मुझ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो यांजी कहती है हाँ ऐसा ही है, लेकिन वो तुम्हारे जितना लकी नहीं है। जीशु कहता है कि ऐसा क्यों है। तो यांजी कहती है कि उसकी दुनिया में जीफे एक एक्सीडेंट की वजह से कभी पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए इस एक्सपीरियंस के बाद उसे ऐसा लगना शुरू हो गया कि सब लोगों की जिंदगी की एंडिंग ट्रेजेडी एंडिंग होती है। अब जीशु यांजी से कहता है कि तुम यहाँ से कब वापस जा रही हो। तो यांजी कहती है कि मैं वेट कर रही हूँ स्टोरी के एंड होने का। तो जीशु कहता है कि कहानी एंड कैसे होगी। तो यांजी कहती है कि जब सारे मसले खत्म हो जाएंगे, यानी कि हर कोई दूसरे के खिलाफ जो ग्रज रखता है वो खत्म कर देगा। तो जीशु कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, जब मैं शिनिंग के साथ होऊंगा तो शिनिंग खुश होगी। यांजी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, शिनिंग की खुशी तुम्हारे साथ रहने में नहीं है। जीशु इसकी कोई बात नहीं सुनता है, कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी वापस जाने में हर मुमकिन मदद करूंगा। अब यांजी फिर से शिनिंग की असिस्टेंट बन जाती है। जीशु शिनिंग की बहुत केयर कर रहा होता है, ये शिनिंग के लिए खाना लेकर आता है, यांजी भी शिनिंग के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन शिनिंग यांजी का दिया हुआ खाना खा लेती है। जीशु यांजी से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो शिनिंग को मनाने के लिए। तो यांजी कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, शिनिंग ही तुम्हें पसंद नहीं करती है। अब जीशु सबके सामने अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए पूरे क्रू को खाना खिलाता है। यांजी ये देखते हुए जल्दी से यूले को यहाँ पर बुला लेती है। शिनिंग शूट के लिए जा रही होती है कि यूले यहाँ पर आ जाता है। यूले शिनिंग से कहता है कि मुझे यांजी ने बताया था कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। तो शिनिंग कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर मेरा वेट करो, अभी मुझे काम करना है। अब जब शिनिंग यहाँ पर वापस आती है तो ये यांजी से कहती है कि मेरा फोन कहीं पर गुम गया है, लेकिन इतने में इसे जेंग बुला लेता है। तो यांजी कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा फोन ढूंढती हूँ। अब जीशु ने फैन फिक्शन वाली वेबसाइट को डिलीट होने से रोकने के लिए एक हैकर बुला लिया होता है। अब ये हैकर इनको शिनहैंग का रियल आईपी एड्रेस बता देता है, और शिंगिंग बताती है कि ये तो हमारी कंपनी की लोकेशन शो कर रहा है। यहाँ कंपनी का वर्कर शिनहैंग से कहता है कि सॉफ्टवेयर में कोई मसला हो गया, तुम इसको प्लीज चेक कर दो। शिनहैंग से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इन्हें अभी चेक करता हूँ। और ये सब लोग कंपनी पहुंच रहे होते हैं। अब यांजी ड्रेसिंग रूम में आ जाती है शिनिंग का मोबाइल फोन ढूंढने के लिए। यांजी मोबाइल फोन लेकर वापस जा रही होती है कि इसे कुछ जलने की बू आती है, और ये पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ पर आग लग गई होती है।
और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद हो जाता है। शेनहैंग ये वेबसाइट डिलीट कर रहा होता है, इसलिए येंची एक अजीब सी जगह पर आ जाती है। फिर जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो शेनहैंग जीशु से कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी है, अब येंची कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाएगी। जीशु को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसने शेनहैंग को पकड़ा होता है तो शेनहैंग कहता है कि तुम अगर पुलिस को भी बुलाना चाहते तो बुला लो, लेकिन तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे कि येंची मेरी वजह से गायब हो गई है। अब इनके साथ जो हैकर आया होता है वो वेबसाइट को डिलीट होने से रोकने की कोशिश शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद ही ये इसका सिस्टम क्रैक करके वेबसाइट को डिलीट होने से रोक देता है। जीशु हैकर से कहने के लिए आता है कि तुम जल्दी से वेबसाइट को फिक्स करो। इतने में शेनहैंग को लुचियाओ ने पकड़ा होता है और शेनहैंग यहाँ से भाग जाता है। लुचियाओ जीशु के पास आता है, उसे कहता है कि शेनहैंग भाग गया है, तो जीशु कहता है कि अभी हमारे लिए येंची ज्यादा इम्पोर्टेंट है, शेनहैंग नहीं। जीशु कहता है कि मैं इस वेबसाइट को यूज करके सारे रूल्स को रीसेट कर दूंगा और जिस जरिए से शेनहैंग इन दोनों दुनिया में ट्रेवल कर रहा था मैं उसको भी तब्दील कर दूंगा। जब मैं फैन फिक्शन वर्ल्ड में चला जाऊंगा तो तुम्हें इस वेबसाइट पर मेरी जगह नजर रखनी होगी ताकि इसमें कोई एरर ना आ जाए, और आधे घंटे बाद तुम फैन फिक्शन डिलीट कर देना यूले के कार एक्सीडेंट तक। अब येंची को यहाँ पर एक डोर नजर आता है और ये इस डोर से बाहर निकल कर आ जाती है और ये अभी भी फैन फिक्शन वर्ल्ड में ही होती है। येंची जीशु को कॉल करती तो उसे मालूम होता है कि जीशु वापस आ गया है और इतने में यहाँ पर शेनहैंग आता है और ये येंची को सर पर कुछ मार कर बेहोश कर देता है। शेनहैंग अब जीशु से कहता है कि तुम्हारे पास सुबह 8 बजे तक का वक्त है, अगर तुमने तब तक येंची को ढूंढ लिया तो ठीक है वरना मैं येंची को मार दूंगा। अब ये येंची से कहता है कि मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि अब तुम्हारे जख्म हील नहीं हो रहे हैं, इसीलिए अब तुम इस दुनिया में मर सकती हो। जीशु ने यहाँ पर आने से पहले लुचियाओ से कहा होता है कि तुम्हें येंची पर लोकेशन डिटेक्टर सेट करना है और उसकी लोकेशन तुम मेरे फोन पर मुझे भेज देना। अब इसकी मदद से जीशु 8 बजने से थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता है और ये येंची को बचा लेता है। यहाँ पर येंची बेहोश जाती है और जीशु इसको जल्दी से गाड़ी में लेकर जा रहा होता है और इतने में ये सारा नोवेल रिवर्स हो जाता है उस टाइम तक जब यूले का कार एक्सीडेंट होने वाला होता है। अब येंची फिर से यूले की जान बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन इसे जीशु की कॉल आती है और इसे कहता है कि तुम यूले की जान नहीं बचाओगी इस दफा। सनशी यूले की जान बचा लेती है और जीशु भी येंची के पास आ जाता है। अब ये लोग हॉस्पिटल चिनिंग से मिलने के लिए आते हैं। सनशी को चोटें आई होती है और यूले बिल्कुल ठीक होता है। अब येंची जीशु से कहती है कि तुम्हें प्लॉट रीसेट नहीं करना चाहिए था, हमारी तमाम प्रीवियस एफर्ट जाया हो गई। जीशु कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अब जब यूले चिनिंग को घर पर छोड़ने के लिए आता है तो शिनिंग यूले से कहती है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए और हमारे दरमियान जो एग्रीमेंट है उसे भी खत्म कर देना चाहिए। मैंने इस बारे में बार बार सोचा है, मुझे यही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। यूले कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे दिल में संजी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। शिनिंग कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। इसके बाद शिनिंग अपने काम में काफी अच्छा कर रही होती है और फैंस भी अब शिनिंग को पसंद करना शुरू कर देते हैं और यूले को भी डायरेक्टर वांग की मूवी में लीड रोल मिल जाता है जिस पर यूले बहुत खुश होता है। जब शिनिंग एक अवार्ड की रेड कार्पेट पर आती है तो रिपोर्टर्स उसे सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने यूले के साथ ब्रेकअप इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें फोर्स किया गया था या फिर क्रिटिसिज्म की वजह से तुमने ऐसा किया है। इस पर शिनिंग कहती है कि हमने गुड टर्म्स पर एक दूसरे के साथ ब्रेकअप किया है। यहाँ पर यूले भी आ जाता है और ये रिपोर्टर से कहता है कि मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे काम पर फोकस करें, हम एज एक्टर अपना बेस्ट देंगे। अब यूले और शिनिंग सी साइड पर वॉक के लिए आते हैं तो शिनिंग यूले से पूछती है कि संशी कैसी है तो यूले कहता है कि मुझे नहीं मालूम, जब से संशी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी मैंने उससे कोई राबता नहीं किया। शिनिंग कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं फिर से कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। तो यूले कहता है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ये बात मालूम हुई कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए था और अब देखो मैं कितना अच्छा एक्टर बन गया हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। येंची और जीशु भी इन दोनों को देख रहे होते हैं और ये एंडिंग देखने के बाद जीशु येंची से कहता है कि अब हमारा घर जाने का वक्त हो गया है। फैंग यांग और जैंग भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और संची अपनी डांस क्लास शुरू कर लेती है और वो भी काफी खुश दिखाई दे रही होती है और इस तरह ये नॉवल खत्म हो जाता है और जीशु भी वापस असली दुनिया में आ जाता है। शिंग शिंग जीशु से कहती है कि येंची कहाँ पर है तो जीशु कहता है कि येंची घर पर होगी। अब जब जीशु घर पहुँचता है तो येंची रो रही होती है। जीशु इसको चुप करवाने के लिए इसके पास जाता है तो येंची से कहती है कि हमने इतनी कोशिश की उसके बावजूद भी नॉवल की एंडिंग चेंज नहीं हो सकी। तो जीशु कहता है कि नॉवल खत्म हो गया है लेकिन उनकी दुनिया अभी भी चल रही है। अब येंची जीशु से कहती है कि शेनहैंग कहाँ पर है तो जीशु उसको बताता है कि शेनहैंग भाग गया है लेकिन फिक्र
नहीं करो, पुलिस उसको ढूंढ रही है। जीशु यांची से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ आता हूँ। अब जब ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तो जीशु कहता है कि इस सारे टाइम में तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसलिए तुम्हें घर पर जाकर अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। तो यांची कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं खुश होती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब जीशु यहाँ से चला जाता है तो यहाँ से एक शख्स भाग कर जाता है। यांची को लगता है कि जीशु होगा, लेकिन जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। घर पर आने के बाद जीशु को यांची की याद आ रही होती है और घर पर आकर यांची कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है क्योंकि जीशु ने इसे कल अपने साथ डेट पर लेकर जाना होता है। अब जीशु को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि मैं तुम दोनों को खुश नहीं रहने दूंगा। ये मैसेज शिनहैंग ने जीशु को किया होता है। अब जीशु यांची को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो यांची कहती है कि मैं घर पर हूँ। जीशु कहता है कि अच्छी बात है, मैंने बस तुम्हें यही पूछने के लिए कॉल की थी कि तुम कहीं अभी तक बाहर तो नहीं हो। अब अगले दिन जब यांची काम पर जाती है तो मिस्टर जिया इसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इसे कहते हैं कि जीशु ने लिखना बंद कर दिया है कि अब भी तुम इसी नॉवल पर काम करना चाहती हो। तो यांची कहती है कि जीशु को कोई इतराज नहीं है और मैं इसी नॉवल पर काम करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जिया कहते हैं कि अगर जीशु को कोई इतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है। यांची मिस्टर जिया से कहती है कि मुझे मालूम है कि जीशु अब इस कंपनी का मालिक है। तो मिस्टर जिया कहती है कि अगर तुम्हें मालूम हो गया है तो फिर तो काम ज्यादा आसान हो गया है। अब जीशु यांची को पिक करने के लिए आता है और जीशु नोटिस करता है कि लिंचिंग जा रही होती है और इसके पीछे इसे एक शख्स दिखाई देता है जो कि शिनहैंग की तरह दिखाई दे रहा होता है। यांची जीशु से पूछती है कि शिनहैंग के बारे में क्या अपडेट है। तो जीशु कहता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और जल्द ही शिनहैंग भी पकड़ा जाएगा। तो यांची कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर, लेकिन यांची कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे बैड फीलिंग्स आ रही है कि कुछ गलत होने वाला है। अब जीशु यांची से कहता है कि तुम क्या खाना चाहती हो आज के लंच में। तो यांची एक लिस्ट निकाल लेते हैं, उसे कहती है कि ये वो तमाम चीजें हैं जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तुम्हें इस पर कोई इतराज तो नहीं है। तो जीशु कहता है कि मुझे कोई भी इतराज नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर जीशु यांची को एक रूम में लेकर आता है जो कि इसने यांची के लिए डेकोरेट किया होता है। इसे देखकर यांची बहुत खुश होती है। यहाँ पर एक पाउचर पड़ा होता है जिसे यांची उठाती और कहती है कि ये तो देखा देखा लग रहा है। तो जीशु उसको बताता है कि ये वो विश वाउचर है जो तुमने कॉलेज में मुझे दिया था। यांची बहुत खुश होकर कहती है कि इसका मतलब है कि मेरा विश वाउचर तुम्हें मिला था। तो जीशु कहता है कि हाँ, कि मुझे ही मिला था। यांची कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जीशु यांची से कहता है कि तुमने मुझे पहले बताने का मौका ही नहीं दिया। यांची जीशु से कहती है कि क्या तुम्हारी कोई विश है। तो जीशु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यांची हमेशा खुश रहे और तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी खतरे का सामना ना करना पड़े। यांची कहती है कि मैं इसको विश कंसीडर नहीं करती हूँ, तुम कुछ और मांगो। तो जीशु कहता है कि मेरी कोई और विश नहीं है, अगर तुम्हारी है तो तुम मांग सकती हो। तो यांची कहती है कि हाँ, मेरी तो बहुत सारी विशेज हैं। फिर यांची बहुत सारी विशेज मांगती है और एंड पर कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट विश मेरे लिए ये है कि हम दोनों साथ में हमेशा खुश रहें। यांची जीशु को किस कर देती है और जीशु यांची को गले लगा कर कहता है कि मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब ये दोनों फाउंटेन पार्क पर आते हैं और यहाँ पर जीशु शिनहैंग को देखता है और ये यांची से कहता है कि तुम जाकर हम दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आओ। जब यांची आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है तो जीशु शिनहैंग को इधर ढूंढने लगता है। यहाँ पर शिनहैंग यांची पर हमला कर देता है। जीशु जल्दी से यांची के पास आता है और यांची जीशु से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये सब कुछ जीशु का ख्वाब होता है। जीशु को एक मैसेज आता है कि इस दफा मैं तुमसे हर चीज छीन लूंगा। अब अगले दिन जीशु लिंचिंग के साथ रेस्टोरेंट में आता है। यहाँ पर यांची भी आती है। यांची इन दोनों को साथ देखकर कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर काम की बात करने के लिए आए हो। तो जीशु कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और ये यांची से कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। यांची ये सुनकर हैरान हो जाती है। जीशु से कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो जीशु कहता है कि मैंने बहुत सोचा है और उसके बाद मैंने ये नतीजा निकाला है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये सुनकर यांची रोने लगती है। ये जीशु से कहती है कि तुम उससे मजाक कर रहे हो। जीशु यहाँ से बाहर आ जाता है लेकिन यांची जीशु के पीछे आती है। यांची जीशु से कहती है कि मैंने क्या गलत किया है, तुम मुझे बताओ। तो जीशु कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ टाइम गुजारने के बाद मुझे लगा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि मैं बिल्कुल पहले जैसा ही हूँ, मुझमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। यांची जीशु का हाथ पकड़ने लगती है तो लिंचिंग यहाँ पर आकर जीशु का बाजू पकड़ कर कहती है कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए तुम्हें अब हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सब देखकर यांची बहुत दुखी होती है और यहाँ पर ये सब कुछ शिनहैंग भी देख रहा होता है। अब यांची ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया होता है। शिनशिंग यांची को देखने के लिए आती है तो यांची बहुत ज्यादा रो रही होती है। तो शिनशिंग उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यांची रोते उसको बताती है कि जीशु ने इसको छोड़ दिया है। अब लुचियाओ शिनशिंग को कॉल करके कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे भी क्या कहने वाला हूँ, मैंने अभी जीशु और लिंचिंग को रेस्टोरेंट में साथ खाना खाते हुए देखा है और ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये दोनों अब एक कपल है। तो इस पर शिनशिंग कहती है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी दोस्त से ब्रेकअप कर लिया है। शिनशिंग कहती है कि तुम कहीं ना जाना, मैं वहाँ पर आती हूँ और मैं जीशु को बताती हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को रुलाने की। ये यहाँ पर आती है और ये जीशु को मारने लगती है। तो इस पर लिंचिंग
कहती है कि तुम किस हैसियत से जिशु को मार रही हो, हम दोनों डेट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। ये बात सुनकर लुचिया बहुत हैरान होता है कि ये क्या कह रही है। यहाँ पर यांची भी होती है, शनहैंग भी पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। लुचिया जिशु से कहता है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगे, तो जिशु कहता है कि मैंने सोंग यांची से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए मैं किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। शिंगशिंग फिर से जिशु को मारने लगती है, लेकिन लुचिया इसको रोकता है। तो शिंगशिंग कहती है कि तुम इस मामले में अपने दोस्त की साइड लोगे, तो इस पर लुचिया कहता है कि नहीं, बल्कि मैं इसको मारूंगा। और फिर लुचिया जिशु को मारता है और ये जिशु से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम गुजारा है, मुझे नहीं मालूम था कि असल में तुम ऐसे हो। यांची सबसे कहती है कि तुम लोग बस कर दो लड़ना, और ये जिशु के पास आकर इसके दिए हुए तमाम गिफ्ट वापस कर देती है और कहती है कि हम दोनों के दरमियान अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहकर ये शिंगशिंग को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब जब लिनचिंग और जिशु बाहर आते हैं, तो जिशु लिनचिंग से कहता है कि मैं यहाँ पर गाड़ी लेकर आता हूँ। जैसे ही जिशु गाड़ी का दरवाजा खोलता है, तो शनहैंग इसके सर पर डंडा मारता है, जिसकी वजह से जिशु बेहोश हो जाता है। और फिर शनहैंग इसको गाड़ी में डालकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन लिनचिंग शनहैंग को जिशु की गाड़ी में जाता हुआ देख लेती है। अब यांची को लिनचिंग की कॉल आती है। यांची जब फोन उठाती है, तो लिनचिंग इसको बताती है कि जिशु खतरे में है। यांची जल्दी से लिनचिंग के पास जाती है और लिनचिंग कहती है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ, असल में मैं और जिशु ड्रामा कर रहे थे ताकि शनहैंग कोई कदम उठाए। यांची कहती है कि हमें जल्द से जल्द जिशु को ढूंढना होगा। तो लिनचिंग कहती है कि मुझे जिशु ने बताया था कि उसने अपनी लोकेशन तुम्हारे फोन पर एक्टिवेट कर दी है, इसलिए हम इसके जरिए से जिशु को ढूंढ सकते हैं। यांची शिंगशिंग से कहती है कि तुम लुचियाओ को कॉल करके यहाँ बुलाओ और पुलिस को भी इन्फॉर्म करो, मैं पहले जाकर जिशु को बचाती हूँ। शनहैंग जिशु को एक अजीब सी जगह पर लाकर बांध देता है और फिर ये जिशु को मारना शुरू कर देता है। जिशु कहता है कि मैं सिर्फ लिनचिंग के साथ ड्रामा कर रहा था ताकि तुम्हें मैं प्रोवोक कर सकूं। जिशु कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें यांची के फैन फिक्शन के बारे में कब मालूम हुआ। तो शनहैंग कहता है कि जब मैंने ये वेबसाइट क्रिएट की थी, तो सोंग यांची मेरी वेबसाइट की पहली यूजर बनी और उसने तुम्हारे नॉवल का फैन फिक्शन क्रिएट किया। 5 साल बाद मेरी फिर तुमसे मुलाकात होगी और मैंने सोचा कि मैं फिर से प्लेजरिज्म के जरिए से तुम्हें हराऊंगा और तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो तुम्हारे पास है। स्टार्टिंग में जब मैं इसकी कोडिंग कर रहा था, तो मेरी वेबसाइट फैन फिक्शन की दुनिया से लिंक्ड हो गई। अब जब शनहैंग जिशु से बात कर रहा होता है, तो जिशु इस टाइम में अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा होता है और जिशु अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और फिर ये दोनों दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर शनहैंग वो वेबसाइट ओपन करता है और यहाँ पर एक ब्लू सा सर्कल नजर आने लगता है। जिशु इसे कहता है कि ये वेबसाइट जल्दी डिलीट हो जाएगी और अगर तुम एक दफा इसके अंदर चले गए तो फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे। तो शनहैंग कहता है कि ऐसी दुनिया में रहने से अच्छा है कि मैं एक दूसरी दुनिया में जाकर रहूं। शनहैंग इस होल में जाने लगता है, तो जिशु इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे कहता है कि शनहैंग ये गलती मत करो, तुमने अपनी फैमिली के बारे में सोचा है। तो शनहैंग कहता है कि मेरी फैमिली को मेरी कोई परवाह नहीं है। शनहैंग कहता है मेरा हाथ छोड़ दो। तो जिशु कहता है कि लिनचिंग ने मेरी मदद इसलिए की थी क्योंकि वो चाहती थी कि तुम माजी में हुए तमाम इंसिडेंट्स को भूल जाओ और तुम एक न्यू स्टार्ट लो। अगर तुमने अपने साथ ऐसा किया तो वो सारी जिंदगी रिग्रेट करती रहेगी कि उसकी वजह से तुम हमेशा के लिए गायब हो गए हो। अब यहाँ पर यांची पहुँच जाती है। अब शनहैंग के साथ साथ जिशु भी इस हॉल में गिर जाता है। यांची चेक करती है तो वहाँ पर ये लिखा रहा होता है कि ये वेबसाइट क्लोज हो गई है। अब शनहैंग और जिशु एक ब्लैक सी जगह पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर शनहैंग एक बटन दबाता है और जिशु से कहता है कि आज हम दोनों एक साथ मरेंगे, और फिर दोनों पैरेलल वर्ल्ड्स का कनेक्शन एक दूसरे से टूट जाता है। इसके बाद एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यांची इसी नॉवल के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यांची काम पर होती है तो इसे शिंगशिंग की कॉल आती है और इसे कहती है कि मेरी लुचिया की लड़ाई होगी, इसे तुम्हें यहाँ पर जल्दी आना होगा। यांची जब यहाँ पर आकर शिंगशिंग से पूछती है कि इसकी लड़ाई क्यों हुई है, तो उसे बताती है कि लुचिया अभी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो लुचिया कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये शादी करने का राइट टाइम है। तो शिंगशिंग कहती है कि हमारे इर्द गिर्द सभी लोगों की तो शादी हो गई है। तो लुचिया कहता है कि यांची भी तो सिंगल है। इस पर शिंगशिंग यांची से कहती है कि तुम ठीक हो ना। तो यांची कहती है कि हाँ, मैं अपनी सिंगल लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ, वैसे भी मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा है। तो लुचिया कहता है कि जिशु यहाँ पर नहीं है, फिर भी लाइफ चल रही है। तो इस पर शिंगशिंग लुचिया से कहती है कि तुम्हें यांची के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब यांची जिशु के घर पर आती है, तो उसे हर जगह जिशु दिखाई दे रहा होता है। इसको देख कर यांची रोने लगती है। यांची को ऑफिस जल्दी पहुँचना होता है, मौसम काफी खराब होता है और इसे कोई टैक्सी नहीं मिलती है, तो ये साइकिल पर ऑफिस जाने लगती है। लेकिन रास्ते में इसकी बाइक से टक्कर हो जाती है, नीचे गिर जाती है। इतने में जिशु छतरी लेकर यांची के पास आता है। यांची जिशु को देखकर बहुत हैरान होती है। यांची जिशु से पूछती है कि क्या वाकई में तुम वापस आ गए हो। तो जिशु कहता है कि हाँ, मैं वाकई में वापस आ गया हूँ। यांची जिशु को देखकर रोने लगती है, तो जिशु उसको गले से लगा लेता है। ये दोनों रो रहे होते हैं और जिशु यांची से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई है। घर आने के बाद यांची जिशु से पूछती है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो जिशु यांची को बताता है कि मैं और शनहैंग ब्लैक रूम में लॉक हो गए थे। शनहैंग उस दिन मेरे साथ उस रूम में मरना चाहता था और उसने जब वो बटन क्लिक किया
किया तो वहाँ पर दो डोर्स ओपन हुए थे। शेनांग ने मुझसे कहा एक डोर फैन फिक्शन वर्ल्ड का है और एक रियल वर्ल्ड का, लेकिन अगर कोई भी इन एक डोर में से गुजर गया तो दूसरा डोर बंद हो जाएगा। शेनांग फैन फिक्शन वर्ल्ड वाले डोर की तरफ जाने लगा था तो मैंने शेनांग से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन शेनांग ने कहा कि असली दुनिया में भी मेरी किसी को भी परवाह नहीं है। मैंने शेनांग को बताया कि लिनचिंग ने मेरी मदद लास्ट टाइम इसलिए की थी क्योंकि वह चाहती है कि तुम उसके पास वापस आ जाओ, वो तुमसे वाकई में ही प्यार करती है। शेनांग ही फिर मुझे असली दुनिया में लेकर आया है क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत जख्मी था। यांची कहती है कि अब शेनांग का क्या हुआ, तो जिशु कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, वो वाकई में ही बदल गया है। यांची जिशु से कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तुम आइंदा मुझे कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाना। जिशु कहते हैं कि ठीक है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर जिशु के पेरेंट्स आ जाते हैं और जिशु के पेरेंट्स यांची से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब जब जिशु के पेरेंट्स यहाँ से चले जाते हैं तो यांची इनके पीछे जाती है और ये जिशु की मॉम से कहती है कि मुझे जिफे के बारे में मालूम है, आपको मालूम है कि जिशु अपने आप को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से आपके साथ माजी में वो हादसा हुआ था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जिशु को बताएं कि आप उसे ब्लेम नहीं करती हैं। जिशु की मॉम कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूंगी। अब यांची जिशु के रूम में आती है तो यहाँ पर यांची की बहुत सारी पिक्चर्स होती है। यांची इन पिक्चर्स को देखकर बहुत खुश होती है तो जिशु यांची को बताता है कि जब भी मैं बुरा फील करता था तो हमेशा मैं इस कमरे में आता था। और फिर जिशु यांची के पास आकर इसे कहता है कि यांची तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और तुमने इतना लंबा अरसा मेरा इंतजार भी किया है। यांची कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए तुम्हें कभी भी कुछ बुरा फील नहीं होगा। अब ये दोनों इसी कैंप में सो जाते हैं। अगले दिन जिशु रुचिया से मिलने के लिए जाता है और रुचिया जिशु से कहता है कि मुझे माफ करना, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो जिशु कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हें उस सिचुएशन के बारे में कुछ बताया नहीं था। तो लुचिया कहता है इसका मतलब ये है कि हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। तो जिशु कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब जिशु लुचिया से कहता है कि मैं यांची को प्रपोज करना चाहता हूँ और दूसरी तरफ किंगशिंग भी यांची से कहती है कि तुम जिशु को प्रपोज करो। ये दोनों मिलकर सारी प्लानिंग कर लेती हैं। अगले दिन यांची मिस्टर जिया के पास आती है और यांची अपना लिखा हुआ नॉवल मिस्टर जिया को सबमिट करती है और इस नॉवल की स्टोरी इन दोनों की अपनी स्टोरी होती है और मिस्टर जिया को इसकी स्टोरी काफी पसंद आती है। अब यांची भागते हुए जिशु के पास आती है और इसे बताती है कि अब मैं एक स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ, जिस पर जिशु भी यांची के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर ये दोनों सी साइड पर काफी एंजॉय करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।